सो आई एम गोइंग टू मेक कैरमल पीनट केक. स्टार्ट करें. सो सबसे पहले हम लोग कैरमल पीनट का क्रंच बनाएंगे. सो विल पुट ऑन द गैस. कैरमल बनाना बहुत ईजी है, कुछ चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना होता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी ईजी. सो विल टेक सम शुगर. और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे. मेक श्योर कि जब भी कैरमल बना रहे हो तो स्पैटुला टच नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये थी आज की आपकी विशेष टिप्पणी. अगर आप स्पैटुला से उसको हिलाओगे तो आपका कैरमल नहीं बनेगा, शुगर जो है वो मेल्ट नहीं होगी. शुगर को मेल्ट होने के लिए उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इट इज़ मोर देन 200 डिग्रीज. तो अगर आप उसको टच करोगे तो वो 200 डिग्रीज तक नहीं पहुँचेगा और कैरमलाइज नहीं. शुगर बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है. विल ऐड सम पीनट्स, रफली चॉप किए हुए रोस्टेड पीनट्स है, थोड़ा सा बटर, उसको अच्छे से मिला लेना है. चिक्की तो आप लोग घर पे बनाते ही होंगे, समझ लो ये शक्कर की चिक्की है. एक बेसिक प्लास्टिक का शीट है, OHP शीट जिसको बोलते हैं, आई हैव टेकन दैट. थोड़ा सा उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे. चिक्की को उसके ऊपर ले लेंगे. थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे. एंड विल गिव इट अ रेस्ट जब तक ये जम नहीं जाए तब तक. फिर केक का बैटर बना लेंगे, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, नाउ वी विल टेक सम ऑयल. हम लोग ड्राई केक बना रहे हैं इसलिए उसके अंदर ऑयल यूज करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे या स्टोर करोगे तो बटर की टेंडेंसी आपको मालूम है कि वो जम जाएगा, तो आपकी केक जो है वो हार्ड हो जाएगी. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नाउ विल ऐड मैदा, ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज का छिलका उसको मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा ऊपर से डालेंगे. चॉकलेट पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा. जब भी बेकिंग सोडा का नाम आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, बेकिंग सोडा मतलब कौन सा सोडा. बेकिंग सोडा इज अ सेम सोडा जो आप लोग घर में पकोड़ा बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए जो यूज करते हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. और पीसी हुई शक्कर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अभी उसमें एरेटेड वाटर डालेंगे. वेनिला एसेंस. बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है. यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए. थ्री फोर्थ जितना टिन का हाइट का बैटर डालना है. नाउ विल पुट लॉट्स ऑफ पीनट्स. चॉप्ड चॉकलेट्स, डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने. चॉकलेट की डेंसिटी की वजह से सारी चॉकलेट्स जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी और उसका कलर जो होगा वो बहुत अच्छा सा डार्क ब्राउन आ जाएगा. ऑरेंज जेस्ट,
चिक्की हम लोग ने बनाई थी, यू कैन सी वो अच्छे से जम चुकी है, उसके पीसेस डालेंगे। चिक्की जब बेक होगी तब इसका कलर जो होगा वो लाइट हो जाएगा, बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू गेट कुक्ड व्हाइल बेकिंग, तो इसका फ्लेवर जो होगा वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा केक में। सो लेट्स पुट दिस फॉर बेकिंग। इसको बेक करना है प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के लिए। लेट्स बेक इट, ठंडा हो जाए उसके बाद ये इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। सो फाइनली सर्व करते हैं, और जो पीनट चिक्की बनाई थी उससे इसको गार्निश करेंगे। परफेक्ट स्वीट है गेस्ट को सर्व करने के लिए कैरमल पीनट केक।